हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोनफिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हमारे शॉप पे हैं और मेरे पास एक फ़ोन आया रिपेयर के लिए, जो कि एक रेडमी 9A बोल के मॉडल आता है। आपको पता होगा इसमें रैम और EMMC अलग अलग लगा हुआ रहता है, जिसमें EMMC 153 का लग के रहता है। तो ये एक ड्रॉप डाउन केसेस में आया है मेरे पास फ़ोन, एक कस्टमर लेकर आया था, जो कि मैं उसको जब डायग्नोज किया, ये पूरा फ़ोन जो है एकदम बैंड है, पूरी तरह से बैंड है। तो हो सकता है इसमें ड्रॉप डाउन केसेस में ICI भी नीचे पैड डैमेज हो जाते हैं। तो ये चेक करने के बाद पता चला है पोर्ट बना रहा है, पोर्ट तो ओके था इसका, और जब मैं इसको आइडेंटिफाई किया टूल में तो वहाँ पे स्टोरेज डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो इससे फिर मैंने डायरेक्टली MMC जब उठा लिया, इसके अंदर सैंडिस की MMC थी, तो MMC उठाने के बाद देख लिया नीचे पूरे ट्रैक डैमेज थे, उसकी वजह से फ़ोन MMC डिटेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं आपको यहाँ पे MMC भी दिखा दूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंडिस का जो कंपनी का MMC आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सैंडिस का MMC आती है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप सैंडिस का MMC है। इसके अंदर पूरे ये ट्रैक जो दिख रहे हैं आप, पूरे ये निकल गए और पूरा काम ख़त्म हो चुका है, ना ये रिवॉल्व होगा ना ये ट्रैक, मतलब ट्रैक बनाने जाएंगे तो कम से कम 2 घंटा चले जाएगा, टाइम हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम एक इसको MMC ही चेंज कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फ़ोन में भी आप दिखा सकते हैं, एक बार फ़ोन में भी दिखा दो, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोन में भी देखा था तो 2 ट्रैक डैमेज थे इसके, और इसको माइक्रो जम्पर कर लिया हमने, थोड़ा और जूम करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 ट्रैक कॉर्नर पर डैमेज है, बाकी के वो NC है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी नीचे के 2 ट्रैक डैमेज थे। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी मैंने इसके 2 ट्रैक बना के रखा है, और इसकी जगह पे हम सैमसंग की EMMC लगा लेंगे। हमारे पास सैमसंग की भी एक EMMC, हमने इसकी एक कॉम्पेटिबल निकाल के रखे हैं, जो कि एक सैमसंग के M10 से फ़ोन में से हमने ढूंढ के निकाले हैं। तो अब ये EMMC को मैंने ऑलरेडी RPM भी क्लीन और फुल फॉर्मेट भी करके रख लिया है। सिंपल मैं इसके अंदर EMMC को, ब्लैंक EMMC को मैं इसके अंदर फिक्स कर लूँगा और इसको मैं USB से फ्लैश करूँगा। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, स्टार्टिंग में हम कौन सी फाइल डाल रहे हैं। तो इसके अंदर ENG ROM होगा, क्योंकि ये MMC के अंदर जो इसका डंप है ये रीड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके जो ट्रैक है मेन वर्क वो सारे पूरे चले गए, ये हमारा बॉक्स भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसका ना मैं बैकअप रीड कर सकता हूँ, ना इसके अंदर से ना सिक्योरिटी फाइल रीड कर सकता हूँ, कोई भी काम हम इससे नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर पूरा MMC चेंज वाला प्रोसेस, न्यू सिक्योरिटी ऐड करना होगा और पूरा फ्लैशिंग वगैरह पूरा काम करना होगा। तो हमारे पास इसका सिक्योरिटी भी है, हमारे पास इसका IMEI नंबर जो होता है, हमारे पैनल यहाँ पे स्टिकर रहता है एक सिंगल, तो मैं इसमें से लगा सकता हूँ। तो उसके बाद अब इसके अंदर हम ये MMC फिक्स करेंगे, ब्लैंक MMC लगाएंगे और इंजीनियरिंग रोम फ्लैश करेंगे। आपको पता भी होगा कि इंजीनियरिंग हम क्यों फ्लैश करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फाइल से फ्लैश करेंगे तो इसमें बूट लोडर लॉक होता है, जिसके अंदर हमारा मेटा मोड में डालने के बाद हमारा ब्रोम बूट लोडर लॉक होने की वजह से IMEI रेट नहीं होता है। तो हम इसके अंदर इंजीनियरिंग रोम डालते हैं। तो हम ये सब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे और लास्ट तक वीडियो इन तक देखिए, पूरा स्टेप प्रोसेस देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे और ये बोर्ड को हम सबसे पहले इसमें EMMC को फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे EMMC को फिक्स करेंगे, पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे EMMC को हम ब्लैंक लगा ले रहे हैं, तो ये ब्लैंक लगाने से ये होगा, ये ऑटो पोर्ट बना लेगा, इसके अंदर कोई भी फॉर्मवेयर नहीं है तो ये ऑटो पोर्ट बना लेगा और हम इसको ब्रोम पोर्ट में इसको फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी MMC की फिक्स हो गई है, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा कूल होने देंगे बोट को। हाँ ठीक है, तो थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर MMC को फिक्स कर दिए है, और उसके बाद हम इसको सबसे पहले ENG रूम से फ्लैश करेंगे। एक रूम होता है चाइनीज रूम बोलते हैं जिसको, इसके अंदर भी सेम स्कैटर फाइल ही होता है, सेम जैसे हमारा फ्लैश फाइल होता है वैसे ही होता है, बस ये चाइनीज रूम में ओपन हो जाएगा। तो इसको हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा सिक्योरिटी एकदम ईजी वर्क में हो जाए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वही करेंगे। तो मेरे पास यहाँ देख सकते हैं पेंडोरा बॉक्स है, मैं पेंडोरा से करूँगा तो थोड़ा जल्दी वर्क होगा। आप यही काम आप फ्री वाले टूल से भी कर सकते हैं, SP टूल से कर सकते हैं, अनलॉक टूल से कर सकते हैं, UMT टूल से भी फ्लैश कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मेटाटेक का कोई भी फ़ोन होने दो, ऐसा नहीं कि ये 9A का प्रोसेस है या कोई भी सेम मेडियाटेक का कोई भी मॉडल होने दो, आप सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। बस मैं इससे इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम और एकदम ईजी वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि खास ये पेंडोरा बॉक्स जो है तो MTK के लिए बना हुआ है स्पेशली। अगर आपके पास ये बॉक्स है तो आपको इंजीनियरिंग रूम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल फाइल डाल दो और इसके अंदर सिक्योरिटी राइट कर लो, बिना इंजीनियरिंग विदाउट बूट लोडर अनलॉक आपका ये सिक्योरिटी रिपेयर कर लेगा विदाउट एनी रजिस्टर रिमूव। मतलब जो आपको पता भी होगा रजिस्टर निकालना होता है किसी फ़ोन में, अगर आपका पास बैकअप नहीं है सिक्योरिटी का तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको रजिस्टर निकालना पड़ता है, NVDATA इज करप्टेड का इशू आता है। तो अगर आपके पास ये बॉक्स है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इससे इंजीनियरिंग वाइड करेंगे और सिक्योरिटी मैं दूसरे टूल से करूँगा, ठीक है, फ्री वाले टूल से करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको फ़ोन को यहाँ पे पेंडोरा का टूल ओपन कर लेंगे। आप कोई भी टूल ओपन कर लो, उससे फ्लैश कर लो, फ्लैशिंग का प्रोसेस सब में सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। थोड़ा सा वेट करेंगे टूल ओपन होने का। तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले Xiaomi का मॉडल सेलेक्ट करेंगे, Redmi 9A का, और इसके अंदर सबसे पहले हम स्कैटर फाइल यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो यहाँ से स्कैटर फाइल को लोड करेंगे इंजीनियरिंग रूम। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे देख सकते हैं हमारे पास Redmi 9A EMMC चेंज फाइल है, पूरा है। तो यहाँ पे ENG रूम है, इंजीनियरिंग में दो फाइलें हैं मेरे पास, स्पेशल वाली डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग फाइल, और यहाँ से हम सीधा इसको राइट फॉर्मवेयर कर देंगे, और इसी का केबल से ही कनेक्ट करना होता है पेंडोरा में। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, इसमें कोई भी की दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटो पोर्ट बना लेगा। तो जैसे ही देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे डिटेक्ट भी हो गया और फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे MMC को भी डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं पेंडोरा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी वर्क हो जाना, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा मत सोचिए कोई भी स्टूडेंट ये सर ये पेंडोरा से बताया आपने मुझे अनलॉक कोड से देखना था, आप किसी से भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनलॉक कोड अभी मेरा फिलहाल थोड़ा डिसेबल होने की वजह से मैं अभी उसको उसमें नहीं बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैंने आपको अभी फिलहाल इस पर बता दिया क्योंकि मेरे को जल्दी से इसको वर्क करना है ना, तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप UMT से भी कर सकते हैं, SP टूल से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्लैशिंग होने के लिए, 5-6 मिनट लगेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये वाला स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होता है, तो ये मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। All I want.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग, आसमान देख बताओ तो यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम यहाँ पे फ़ोन देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी ये चार्जिंग को लगा हुआ और ये रिबूट होके लोगो पे आ गया, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है पूरी तरीके से और ये अभी MI का लोगो पे आया है। ठीक है तो अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ तो यहाँ पे चाइनीज रूम में ऑन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट भी एक बार करना पड़ता है तो एक बार फैक्ट्री रिसेट कर लेंगे हम फ़ोन को, इसके बाद डायरेक्ट फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी में चला गया जहाँ पे हमें हार्ड रिसेट करना होगा और इसमें हमने हार्ड रिसेट कर लिया। तो अभी वेट करेंगे, अभी यहाँ पे ये जो ऑन होगा तो इंजीनियरिंग मोड में ऑन होगा, देख सकते हैं रेडमी आएगा और उसके बाद एंड्रॉयड लिख कर आ जाएगा और ये एक चाइनीज रूम होगा हमारा। तो इसके अंदर हम सिक्योरिटी रिपेयर कर लेंगे, इसका कैसे करना पूरा अभी देख सकते हैं। अभी ये एंड्रॉयड लिख कर आ चुका है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुका है इंजीनियरिंग मोड में। और इसके अंदर बेसमेंट वगैरह रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। MTK में कभी भी आप अगर MMC चेंज कर रही हो, जो भी काम कर रहे हो, तो आपको बेसमेंट तो ऑलरेडी रहता ही है, सिर्फ आपको सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। कॉलकॉम में क्या होता है देख सकते हैं आप, इसमें IMEI नंबर नहीं है। तो कॉलकॉम में ये होता है कि अगर आप MMC चेंज कर रहे हो तो QCN राइट करना होता है, जिसके अंदर आपको बेसमेंट भी रिपेयर हो जाता है, तो वो सारा चीज़ प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे हमारा ये तो हो गया चाइनीज रूम में ऑन, और मैं एक बार इसको फ्री वाले टूल से जो मोमीटा वर्जन टूल होता है मैं इससे इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है बात उसमें, तो ये जैसे आप देख सकते हैं टूल है हमारे पास। ठीक है तो अभी यहाँ पे हम लोग इसका सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। तो मेरे पास इसका स्टिकर है, मैं ये स्टिकर से कनेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन को मैं ऑफ कंडीशन में कनेक्ट कर लूँगा, कोई भी की वगैरह प्रेस नहीं करेंगे हम, सिंपल एक ऐसा कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1x1 करके सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, पोर्ट बना लेगा हमारा फ़ोन। तो पूरा वेट करना है, यहाँ पे 100% आ जाएगा और यहाँ पे कनेक्टेड बोलकर लिख कर आ जाएगा, तो जब तक हमें पूरा स्टॉप वेट करना है। तो ये प्रोसेस आप सारे MTK में सेम प्रोसेस कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास फ़ोन आएगा MTK का, अगर आप MMC चेंज कर रहे हो, सिक्योरिटी रिपेयर कर रहे हो, तो सेम तरीका होगा उसमें करने का। ठीक है, अगर आपके पास पैंडोरा बॉक्स है तो फिर आपको ये चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, आप डायरेक्टली फ्लैश करोगे और डायरेक्टली सिक्योरिटी रिपेयर कर लोगे विदाउट एनी रजिस्टर निकालने के लिए, मतलब रजिस्टर भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें पैसा खर्चा करना होता है, ये फ्री वाला टूल होता है, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। अगर आप पैसे वाले फ्री वाले टूल से, अगर पेड वाले टूल से करोगे तो बेस्ट वर्क मिलेगा रिजल्ट में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हो। लेकिन सारे काम फ्री वाले टूल में भी नहीं होते हैं, इसके लिए आपको कभी ये UMT अनलॉक टूल वगैरह और या फिर पैंडोरा जैसे बॉक्स को लेना ही पड़ता है मार्केट में, अगर आपको अच्छा काम करना है या कोई भी काम को अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं। उसके बाद हम सिक्योरिटी यहाँ पे टाइप कर लेंगे, IMEI इस पर आ जाते हैं और हमारे पास जो भी इसका सिक्योरिटी है हम यहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्यूअल सिक्योरिटी उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली यहाँ राइट बटन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट सक्सेसफुली आ गया लिखकर, जिसमें हमारा सिक्योरिटी राइट सक्सेसफुली हो चुका है। तो एक बार मैं इसको अभी रिमूव कर लेता हूँ और एक बार फ़ोन को रिबूट करके एक बार देख लेंगे हम हमारा इसमें पैनल में सिक्योरिटी आया है या नहीं आया है। तो वेट करते हैं यहाँ पर ऑन होने के लिए। तो जैसे कि ऑन हो चुका है, एक बार मैं इसका डायलर में आ जाते हैं और
तो देख सकते हैं दोनों यहाँ पे हमारे दोनों की सिक्योरिटी आ चुकी है, देख सकते हैं आप पास में अगर आके देख सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दोनों की सिक्योरिटी आ चुकी है। तो सिंपली अब इसके अंदर जो है हमें नॉर्मल जो फाइल होती है MIUI 12 की या 10 आपकी जो मर्जी वर्जन है वो आप डाल सकते हो। अब इसको हम नॉर्मल फाइल से फ्लैश करेंगे और आप कोई भी टूल से कर सकते हैं, मैं फिर भी मैं इसी से टूल पेंडोरा से ही कर लूँगा। तो मेरे पास इसकी फ्लैश फाइल डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, तो सिंपली हम आ जाते हैं। ये कोई स्पेशल फाइल नहीं होती, ये हमारी जो वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ होता है नॉर्मल फॉर्मवेयर बोलते हैं जिसको, ये वही होता है। मीडियाटेक में कोई स्पेशल फाइल नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग स्पेशल फाइल होती है, बाकी अगर हम जब नॉर्मल फाइल डालते हैं तो वो कोई स्पेशल नहीं होता, वो एक नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो आप मीडियाटेक में डायरेक्टली ये नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर सकते हैं, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन डालो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कोई भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली मैं यहाँ पे राइट फॉर्मवेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और फोन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम अप की प्रेस करना होगा क्योंकि ब्रोम मोड में डालना है, तो अब इसके अंदर फॉर्मवेयर आ चुका है, अब इसके अंदर हम ब्रोम मोड डालेंगे तो वॉल्यूम अप की प्रेस करेंगे और केबल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है और फोन यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा वेट करेंगे हम और इसके बाद फ़ोन को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन में बताएगा फ़ोन। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक, हमारे यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, वेट करते हैं 5 मिनट्स का 2 मिनट्स का टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्लैशिंग में और इसके बाद हम ऑन करके दिखाएंगे फ़ोन को, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी यहाँ पे कस्ट फाइल की राइट हो रही है और देखते हैं सिस्टम का हमारा जो इसके बाद सिस्टम फाइल चलेगी कितना साइज में होगा। बूट फाइल चल रहा है, लोगो फाइल सुपर, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये हमारी फ्लैशिंग चल रही है, हम वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यू ही करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसका 4GB का फाइल है सिस्टम का, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा फ्लैशिंग। तो आपको पूरा स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये पैंडोरा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें वर्क ईजी लगता है, बाकी आप अनलॉक टूल से, एसपी टूल से, यूएमटी से, जो मर्जी है, जो भी आपके पास टूल है, CM2 होगा, मिरेकल थंडर होगा, जो भी आपके पास टूल होगा आप सारे पे ये काम कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं इस पे जो स्पेशल बता रहा हूँ वो किसी और टूल में नहीं होगा, इस तरह का काम नहीं है, आपको बस तरीका आना चाहिए काम करने का। टूल कोई भी होगा, आप फ्री वाले टूल से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पेड वाले से ही करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप फ्री में ही बता दो, पेड वाले में बता दो, तो हर काम फ्री में नहीं कर सकते, कुछ टूलों में आपको पेड वाले टूल में भी काम करना होता है, तो आप लोग हर बार फ्री के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। फ्री में भी होता है, सब कुछ होता है, हम उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाल चुके हैं, फिर भी हम इस पर इसलिए बता रहे क्योंकि बहुत सारे लोग पैंडोरा यूज़ नहीं करते, मार्केट में बॉक्स लेते हैं लेकिन यूज़ करना नहीं जानते। तो ईजी है, कोई भी टूल आप लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सारे टूल के बारे में जो ऐसे पैंडोरा बॉक्स, MIPI टेस्टर और ईजी अटैक बॉक्स, सारे बॉक्स के बारे में हमारे पास सब अवेलेबल होते हैं और हम ये क्लास में आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो ज्वाइन करिए हमारे फोन फिक्स यूट्यूब चैनल को और हमारे इंस्टीट्यूट को भी, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और जितने भी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पर कॉल करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो बैच अभी बुकिंग चल रहा है 27 फरवरी का बैच अभी बुकिंग चल रहा है, नेक्स्ट हमारा 27 मार्च का भी होगा, तो आप नीचे नंबर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सुपर की फाइल 90% तक फ्लैश हो गया है और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो लास्ट प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो अभी यूज़र डाटा राइट हो रहा है, वो भी समथिंग 1GB के ऊपर है, थोड़ा सा है तो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने सारे फाइल्स आपको दिख रहे हैं वन बाय वन करके जो राइट हो रहा है, हम ये सारे फाइल्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं
ठीक है, हर एक फाइल के बारे में हम नॉलेज देते हैं, कैसे फाइलों के ऊपर काम करना कैसे करना है, हर एक फाइल के ऊपर नॉलेज देते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है यूजर डाटा का, उसके बाद हमारा फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फोन ऑन करेंगे हम और आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या इशू आता है, एनवी डाटा स्क्रिप्टेड का प्रॉब्लम आएगा या फोन डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास पैंडोरा बॉक्स है तो आपका एनवी डाटा स्क्रिप्टेड का जो भी प्रॉब्लम आता है वो आपका नहीं आएगा अगर आप सिक्योरिटी इससे रिपेयर करेंगे तो। लेकिन मैंने तो रिपेयर नॉर्मल फ्री वाले टूल से किया है तो शायद इसके अंदर एनवी डाटा स्क्रिप्टेड का प्रॉब्लम आ सकता है, तो देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या करना है और कैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रही है यूजर डाटा की, तो यहाँ पर यूजर डाटा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फ्लैशिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे हमारा शायद फोन देखते हैं लोगों पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं MI लोगो आ चुका है, फर्स्ट लोगो हमारा फोन, फ्लैशिंग यहाँ पे हमारी डन हो चुकी है और यहाँ पे फोन लोगो पे आ गया। एक बार मैं बैटरी निकाल के फिर से रीसेट कर लेता हूँ और एक बार पावर की प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अभी फोन किस कंडीशन पे रहेगा, अगर MI UI पे आ गया तो फोन ऑन हो जाएगा या फिर एनवी डाटा स्क्रिप्टेड आएगा। तो इसके अंदर एक मेथड यूज करना होगा, दो रजिस्टर को हमें रिमूव करना रहता है। तो जैसे कि सेकंड लोगो है यहाँ पे और इसके बाद देख सकते हैं फोन डायरेक्टली रिबूट हो जाता है, सेकंड लोगो पे आने के बाद फोन जाता है वापस से रिकवरी मोड में आ जाता है। देख सकते हैं आप, थोड़ा पास में आके बताइए एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेन और रिकवरी मोड में ऑटोमेटिक चले जा रहा है और नीचे अगर आप देख सकते हैं मैसेज NV डाटा इज करप्टेड। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसके कारण होता है कि आपके पास पुराना बैकअप सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपकी पुरानी MMC का जो डाटा है वो MMC डेड हो चुकी है, आपके पास बैकअप नहीं है। तो आप जो नए से सिक्योरिटी जब रिपेयर करते हैं तो उसमें मॉडेम का फाइल जो सही नहीं होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपके पास पुराना मॉडेम का फाइल होता है, NV डाटा या NV RAM फाइल होती है, अगर आप वो राइट कर लोगे तो ये सारा काम हो जाएगा, फोन ठीक से चलेगा। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ करना होगा, अगर हमारे पास फाइल नहीं है तो एक रजिस्टर हमें रिमूव करना होता है, वो मैं रजिस्टर आपको फोटो में बता दूंगा। तो आपको मैं इधर आ जाइए एक बार फोटो दिखाता हूँ कौन सा रजिस्टर हमें ड्यूल IMEI के लिए रिमूव करना है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, तो ये दो सेक्शन देख सकते हैं, दो रजिस्टर को आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों को रिमूव करना है ओनली। यहाँ से आप रिमूव हार्डवेयर प्रोटेक्शन बोल के है, आपको ये दोनों रजिस्टर को रिमूव कर लेना है और उसके बाद फ़ोन को रिबूट करके हम देख लेंगे। तो चलते हैं, ये दो रजिस्टर को हम रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अगर आपके पास पैंडोरा बॉक्स है तो आपको ये रजिस्टर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर सिर्फ पैच सर्टिफिकेट भी कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो हमें वो काम में मैं आपको ये रजिस्टर से बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आपने ये देख लिया, ये दो रजिस्टर होता है, ये CPU और RAM के ऊपर है, आप देख सकते हैं ठीक ये CPU और RAM के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं आपको वही सेक्शन पर लेकर चले जाऊंगा, तो वो ये साइड होगा हमारा सेक्शन। तो ये पीछे साइड है, तो एक बार देख लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर CPU के नीचे है, अगर उल्टा बोर्ड पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पे वो दो लोकेशन दिख रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ कटर से। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा शील्ड कट कर देता हूँ, इतना ही कट करेंगे जितना हमें चाहिए, हम उतना ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने शील्ड को कट कर लिया, एक बार वो रजिस्टर देख लेंगे। तो यहाँ पे वो दो रजिस्टर है, तो मैं ये दो रजिस्टर को सिंपली मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। तो माइक्रोस्कोप से मैं आकर यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है लगा हुआ और एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ, तो दोनों को हम यहाँ पे सिंपली रिमूव कर लेंगे। एक रिमूव हो गया और ये एक दूसरा और एक है, तो हमने ये दो रजिस्टर को निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर हम निकाल दिए। एक बार मैं ये फोन को देख लेता हूँ, फिर से मैं ऑन करके देखूंगा अभी ये NV डाटा इस तरफ का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोन ऑन कर लेंगे एक बार,
तो अब देखते हैं हमारा फोन अभी क्या बताएगा। तो ये एक बार जाएगा रिकवरी मोड में, ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं ये जाता है। एक बार आपको यहाँ से रिबूट नाउ करना है। आप ये मत सोचिए कि रजिस्ट्रेशन निकालने के बाद ये फिर से क्यों गया, तो मैं एक बार फिर से इसको रिबूट नाउ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम ये नहीं जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, देखते हैं। दो रजिस्टर तो हमने निकाल दिए, अगर ये रजिस्टर से ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन है या कोई और रजिस्टर है, क्योंकि फोटो में जो देखे हमने वही हमने इसमें से रिमूव किए हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, अब देख सकते हैं अभी सेकेंड लोग आ गया है और वेट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अभी ये डायरेक्टली रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, मतलब वही दो रजिस्टर जो हमने देखे थे वही दो रजिस्टर से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आपको सिर्फ ये दो रजिस्टर को रिमूव कर लेना है। ये प्रोटेक्शन में लगा हुआ है आपके आईडी बोर्ड आईडी 1 या आईडी 0 पे लगा हुआ है, आपको दोनों को हटा देना है और इसके बाद आप देख सकते हैं ड्यूअल नेटवर्क पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फोन को ऑन कर लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर फोन हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो मैं एक बार आईएमए नंबर दिखा देता हूँ, इसके अंदर आईएमए नंबर वो आया है या नहीं आया। तो एक बार बेसमेंट तो देख लिया, बेसमेंट है इसमें। एक बार मैं सिक्योरिटी चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दोनों भी सिक्योरिटी आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी तरीके से आ गया इसमें, और हमारा एडियो लाइन में भी हो गया है। तो ये हमारा स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, ये पूरा हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया। सेम प्रोसेस में आपको कोई भी टूल से आप कर सकते हैं, आपके पास पेंडोरा हो, अनलॉक टूल हो, यूएमटी हो या एसपी टूल, जो भी मर्जी आप किस में करना चाह रहे हो आप उसमें से ये काम कर सकते हो। तो हो सकता है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए दूसरे भाइयों तक। अगर जो टेक्नीशियन है जिनको नहीं पता ये सोल्यूशन, तो आप उन तक ये वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।